तो अब ये हम लोग सोच रहे हैं कि अब आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम इज अ राइट टाइम है ठीक है हमें एक नया बैच अगर स्टार्ट करना चाहिए तो अब कर लेना चाहिए तो मुझे लगता है कि अब एक समय आ चुका है एक नया बैच स्टार्ट करने के लिए फिर से एक न्यूली बैच और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वर्कशॉप लिया भी था राइट सो अभी क्या है कि सीएमए सीएमए वाले स्टूडेंट्स भी अभी ऑलमोस्ट अभी एग्जाम दे करके अभी मतलब फाइनल कर लिया उन्होंने एग्जाम भी आ चुका रिजल्ट भी आ गया तो अभी आई थिंक राइट टाइम है क्योंकि आपको भी पता है कि बिना एस का तो कुछ नहीं हो सकता समय तो आज के ठीक सर। अगर एस एपी नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे आप अपना ग्रोथ नहीं।, नहीं कर पाओगे ठीक है तो आई थिंक टाइम है हम ये बैच स्टार्ट कर सकते हैं तो बेसिकली हम एस बैच स्टार्ट कर रहे हैं राइट जी हाँ फीको मॉड्यूल का जिसमें एकदम हम पूरा एकदम बेस से होता है ठीक है 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 फ्रॉम स्क्रैच कि हाउ टू स्टार्ट स्टार्ट अ कंपनी कंपनी इवन तो खैर बात बात की है, उससे भी पहले SAP क्या होता है, किस लिए है कैसे इसको इंस्टॉल करना है आप अपने सिस्टम में ये जो एस जब हम ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट जो आइकन आते हैं टूल बार आते हैं वो टूल्स का क्या मतलब होता है सब कुछ मतलब आप ये समझ लो बेसिकली फ्रॉम एबीसीडी कह सकते हुए अगर लेमन टन की बात करें तो राइट राइट वो एकदम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट होगा और स्पेशली ये उनके लिए है जो कि एकदम फ्रेशर है जिनको एसीपी का कुछ नहीं पता ठीक है या फिर अगर थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किसी ने काम किया है एज अ एंड यूजर में पिछली कंपनीज में तो वो उनके लिए भी ओके okay. तो ये जो सीएमए वाले स्टूडेंट्स है वो इजीली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं राइट right? बिल्कुल हाँ हाँ सीएम देखिए कोर्स को तो सीएमए वालों को ही ये हमने टारगेट कर रहे हैं क्योंकि तो मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि सीएमए अभी क्वालिफाई भी हुआ है आपके स्टूडेंट से मैंने मिला भी अभी वर्कशॉप जो हुआ था तो स्पेशली उन्हीं के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बैच स्टार्ट करते हैं काफी कॉल्स भी आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि सर आप बैच स्टार्ट कर लो कब कर रहे हो कब कर रहे हो मैंने उन्होंने टाइम भी दिया था और आई थिंक उनके लिए इसलिए बेस्ट है कि देखो आपको पता है क्या है कि कोई भी आदमी अगर एसीपी में एंट्री लेता है ठीक है तो उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए वही बात हो गई ना कि हमने पहले की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं और डायरेक्ट जम करके हम अपर में जाना चाहते हैं mm -hmm. ठीक है तो हम इसीलिए एफ आई सी ओ पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस आपका वहीं से कम्पलीट होगा कोई भी कंपनी कोई भी आप इंटरव्यू देते हो तो आपका एफ आई सीओ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे okay. तो आपका वो जरूरी है रहेगी लगभग मैं डूँ तो की होगी।, ठीक है, की होगी और जो क्लासेस तो तो में, में हो सकता है मैं तो प्रीफर करता हूँ मॉर्निंग का बट एक्चुअली आपको भी पता है कि मेरे प्रीफर करने से होगा नहीं मेनली स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हर बैच में कि जो कहीं ना कहीं जॉब करते होते हैं ठीक है कुछ होते हैं तो वो सैटरडे को ऑफिस लिए सैटरडे को वो में रहते हैं। उनके समय नहीं होता है तो उनका रिक्वेस्ट ही होता है कि सर आप सैटरडे वाला इवनिंग में कर लो तो ये, ये सबके तो सब मतलब ओपिनियन के साथ तो तो हम तय कर लेंगे इवनिंग में है या फिर मॉर्निंग में होगा ओके। और क्लासेस भी होंगे अराउंड मैक्सिमम ठीक है और इसमें बच्चों को सर्वर भी दिया जाएगा क्या प्रैक्टिस करने के लिए हाँ, बिल्कुल, सर्वर, दिया बिल्कुल मेरे तरफ से रहेगा, सर्वर भी मेरे तरफ से रहेगा, कुछ नहीं आपको करना है वो नए हैं उनको क्या पता मार्केट में कहा से सर्वर मिलेगा क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ता है उसके लिए तो वो सब कुछ टेंशन फ्री आप सीधे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए फीस सबमिट करिए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए ओके और जो 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 बच्चे से like, से सब होंगे वो से अलग से होंगे वो अलग हमारा घंटे का होगा जो मेरा होता होता है है या तो हम मैं हर तरह से करता हूं। जैसे suppose क्या होता है कि जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है ना तो मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ तो वो व्हाट्सअप ग्रुप जो होता है स्पेशली वो डाउट के लिए ही होता है वो। okay. कि कोई भी बंदा अगर कोई भी बंदा अगर कोई काम कर रहा है या अपना प्रैक्टिस जो भी मैंने बताया तो वो भी वो स्टूडेंट भी आप वो क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे अपने क्योंकि तो मैंने उनको भी सर्वर दिया है और उनसे भी मैं करवाऊंगा प्रोजेक्ट ऐसा लाइव प्रोजेक्ट होगा वो अब जब मैं लाइव पे काम करवाऊंगा तो क्या होगा उनके डाउट्स आएंगे तो उनको वेट करने की जरूरत नहीं है कि अब सैटरडे संडे जब होगा या फिर जब सर डाउट सेशन रखेंगे तब वो वेट करने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी अगर कोई इशू आता है तुरंत आप उसका स्नैपशॉट लो और उसको डायरेक्ट जो है व्हाट्सअप ग्रुप में करो कि सर मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये इशू आ रहा है ठीक है तो मैं क्या होऊंगा मैं कहीं भी रहूंगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 80 टू 90 परसेंट जो मैसेज के रिप्लाई मैं तुरंत दे देता हूँ और कुछ कहीं अगर बाई बाई चांस मैं अपने ऑफिस में हूँ और कहीं मीटिंग में स्टक हो गया तो वो एक अलग बात हो गई तो फिर भी मैं वहां पे राइट डाउन कर देता हूँ कि मैं अभी मीटिंग में हूँ फ्री होके करता हूँ तो डाउट तो ऐसे क्लियर हो जाते हैं जो okay. उनके भी जो डाउट होते है तो ये एक तरीका होता है दूसरी चीज है कि जब भी अगर हम बैचेज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले कि हाँ जी बताओ क्या डाउट है अभी तक तो स्टार्ट हो गया तब आपने पूछ लिया एंड के बाद जब कोर्सेज उस दिन का जो चैप्टर होगा वो कोर्स कम्प्लीट होगा उसके बाद आपने उसी दिन में बाद में आपने अपना डाउट क्लियर कर लिया okay. तो हर तरह का ऑप्शन है ठीक। सर सर तो ये अभी स्टूडेंट्स के लिए राइट right टाइम है एसएपी में करियर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल अभी देखो क्या है ये राइट टाइम है इसलिए राइट टाइम है क्योंकि एस में वैकेंसीज अभी आई हैं अभी आप देखो लिंकिन पे और और बाकी नौ, नौकरी डॉट कॉम पे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं ठीक है बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और कई जगह से ऐसे हैं कि उनको कंसल्टेंट सही कंसल्टेंट जल्दी मिल नहीं पा रहे हैं ठीक है तो अभी राइट टाइम है और आने वाला समय इसका बहुत ही ग्रोथ होने वाला है तो तो अभी क्या है एस सी पी इज द बिगेस्ट ई इससे बढ़िया और मार्केट में अभी कोई ई नहीं है कोई भी बड़ी कंपनी है आज एस पे ही काम कर रही है और जो मिडिल क्लास और जो कंपनीज हैं वो भी अभी एस पे आ रही हैं और जो नहीं आ रही है वो आने वाली है क्यों क्योंकि अब एस ने भी क्या किया है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए हैं जो अब कॉस्टली पहले जैसे कॉस्टली नहीं रह गए

अगर अगर हम अच्छे से अगर ट्रेनिंग करते हैं ठीक है अच्छे से अगर ट्रेनिंग करते हैं जैसा मैंने बताया आप वैसे करो ठीक है देखो मेहनत तो, तो स्टूडेंट्स को भी करना पड़ेगा आपको भी पता है कि अगर हम किसी के भरोसे बैठे तो ये तो पॉसिबल नहीं है मेहनत कहीं ना कहीं उनको भी करना होगा और नोट्स बनाने होंगे जैसा मैं कहूंगा वैसे करो जॉब्स मार्केट में बहुत है फ्रेशर्स के लिए भी कॉल आते हैं ठीक है इवन मैं एक बात बताऊं तो मैंने खुद देखा है कि बीकॉम वाले भी हैं सीए भी हैं बाकी लोग भी हैं अभी मेरे को ये भी पता है कि जैसे कि सीएमए सीएमए गाइज के अगर मेरे को याद आ गया सीएमए स्टूडेंट्स को क्या होता है कि लोग हायर पैकेज पे करते हैं जहां पे अगर बीकॉम फ्रेशर है तो बीकॉम फ्रेशर या टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उनको कंपनी अगर हायर करती है फोर टू फाइव लाख के पैकेज पे तो वहीं पे अगर सीएमए है और वो फ्रेशर है टोटली totally फ्रेशर है तो वो सेवन टू एट के पैकेज पे जा रहे हैं हुँ. मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो सबसे लोवेस्ट कंपनी है वो सेवन टू एट पे उठा रहे हैं और थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज हो और हम अच्छी कंपनी के लिए ट्राई करें तो हमारा जो फर्स्ट जो सैलरी होगा वो भी टेन के अप्रोक्स हो सकता है ओके। okay. तो जॉब्स है मार्केट में जॉब्स आराम से मिल जाता है और बाकी गाइड तो मैं करूंगा ही करूंगा तो सर आप जॉब्स के लिए भी गाइड करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग? बिल्कुल बिल्कुल वो तो करना है मेरा फर्ज है क्योंकि देखो जब हमें आपको पता है कि जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें सर्वर भी हमारे तरफ से होता है साथ ही साथ जैसे 50 परसेंट कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि मैं कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ जैसे आपका रिज्यूम रिज्यूम से रिलेटेड लगभग अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी रिज्यूम सैंपल भेजूंगा कैसे रिज्यूम्स बनाने हैं ठीक है मैं उनको गाइड करता हूँ कि ऐसे रिज्यूम बनाइए उनका रिज्यूम देखा उनको चेक किया देन उसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन रिलेटेड मटेरियल्स होंगे कई तरह के मटेरियल्स हैं वो दिया जाएगा कंपनीज में एज इज डॉक्यूमेंट या बीबीबी डॉक्यूमेंट जो बनते हैं मार्केट में जो हम किसी कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनके कुछ सैंपल मैं दूंगा ठीक है एक एक चीज गाइड करके बहुत सारी चीजें हैं यहाँ तक की इंटरव्यू के क्वेश्चन भी किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैं उनको प्रोवाइड करता हूं तो आप उनसे पढ़ करके आप समझ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्केट में इवन अगर ये तो है ही साथ ही साथ ऑडियो रिकॉर्डेड ऑडियो रिकॉर्डेड जैसे कि लगभग ट्वेंटी 15 20 ऐसे हैं मेरे पास कि ऑडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हैं आप उसको सुन करके समझ करके आप ये जज कर सकते हो कि इंटरव्यूअर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उनको सुनो समझो जहाँ नहीं आए मैं हूँ आप मेरे से कंसर्न करो तो ये सारी चीजें हैं okay. अभी कुछ दिन पहले ही अभी मैंने अभी एक इंटरव्यू सेशन भी रखा था अपने बैचेस के लिए तो जो बैचेस थे उनके इंटरव्यू से रिलेटेड सारे क्वेरीज सारे क्वेश्चन किए थे उन्होंने उनको सारे सारे चीज मैंने क्लियर किया उनको ये सारी चीजें हैं ओके सो आई थिंक ये सारे डाउट्स तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाएंगे और बैच सर कब से स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट क्या रहेगी बैच की अगर मैं बात करूं तो एज सुन एज पॉसिबल मैं स्टार्ट कर देता हूं जैसे ही अगर कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं आपको भी पता है कि ज्यादा मेरे को क्राउड नहीं चाहिए ठीक नहीं। है क्योंकि तो जितना ज्यादा क्राउड होगा मेरी भी तो रिस्पॉसिबिलिटी क्योंकि कम से कम अगर स्टूडेंट्स होंगे क्रीमी स्टूडेंट्स होंगे तो उन क्रीमी स्टूडेंट के साथ काम करके उनको पढ़ा करके मैं उनपे ज्यादा फोकस करके और अपना कर सकते हैं तो मैक्सिमम अराउंड मेरे बैच में होंगे वो अराउंड टेन पीपल होंगे उस टेन पीपल में अगर मैं बात करूँ तो लगभग थ्री टू फोर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं

आप जब हमें पे करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा आपका बैच और जब बैच स्टार्ट हो क्यों क्योंकि क्यों हमें भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे सर्वर परचेस करना होता है बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट करना पड़ता है ठीक है तो वो सब अरेंज करके ठीक है स्टार्ट हो जाएगा कोर्स और जैसे ही फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट होगा बाकी का जो रेस्ट ऑफ हो फिफ्टी परसेंट वो आपको पे करना होगा उसके लिए दो महीने का टाइम मिल जाएगा आराम से मैक्सिम दो बहुत कम बताया लगभग बताएंग्री मंथ फोर मंथ मिल जाता है मंथ तो नहीं थ्री मंथ तक मिल जाता है ओके okay, okay. so, ओके, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एसपी में करियर बनाना वो आप ज्वाइन कर सकते हो सर को एंड खुद मैंने भी तो सर से ही ट्रेनिंग ली भी, थी हाँ मैं भी ये कहना चाहूंगा कि देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको ऐसा लगता है कि आप टेक्निकली आप मतलब माइंडेड हो मतलब मोबाइल में लगे रहना लैपटॉप में लगे रहना आप कभी बोर नहीं हो सकते ठीक है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा करना है आपको लगता है कि मेरे को टेक्निकली मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूं मैं इसमें यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ तो बेशक आप एक काम करो ट्रेनिंग लो समय मत बर्बाद करो इसलिए क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अब जैसे मैं सीएमए की ही बात करूं तो लास्ट अभी मैंने देखा सीएमए में एक कंपनी थी बहुत जानी मानी कंपनी बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कलोज द नेम ऑफ तो वो कंपनी आई थी सीएमए स्टूडेंट्स को कैंपस में लेने के लिए और कैंपस में लेने के लिए हायरिंग भी किया उन्होंने हायरिंग भी किया और कैंपस में सिलेक्शन भी हुआ फ्रेशर बंदों को उन्होंने हायर किया अराउंड एट लाख के पैकेज पे और उस कंपनी ने क्या किया उसको सिक्स मंथ तक उनको ट्रेनिंग भी दिया और वो सिक्स मंथ के बाद उस कंपनी ने क्या एनालाइज किया कि वो जो बंदे हैं जो फ्रेशर जो हायर हुए थे उन्होंने उनमें उन्हों से फाइव टू सिक्स कैंडिडेट ने एक साथ रिजाइन दे दिया एक साथ रिजाइन दिया उससे कंपनी को कितना लॉस हुआ इवन कंपनी को इसलिए लॉस हुआ क्यों क्योंकि उसके पीछे उन्होंने समय लगाया पैसा लगाया जब करने का समय आया तो लोगों ने रिजाइन दे दिया जब उनसे रीजन पूछा गया तो समझ, उनका कहना यह हमें एसीपी समझ में नहीं आ रहा तो एसिपी वाकई में जब आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर आप सोचोगे कि मैं फ्रेशर हूं और किसी कंपनी ने आई और मुझे हायर कर लिया और मैं हायर करके मैं चला गया कंपनी मेरे को ट्रेनिंग देगी तो कोई भी कंपनी आपको वैसी ट्रेनिंग नहीं देने वाली इनडेप्थ बहुत होगा दो दिन दे देगी तीन दिन देगी या दो दिन तीन दिन में ऐसे भी नहीं समझ में आता उस समय क्या होगा आपको हायर तो कर लेगी लेकिन फिर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे और उस समय क्या होगा कि आप क्विट कर जाओ तो वो क्विट करने से अच्छा है कि आप पहले ही ट्रेनिंग ले लो पहले आप ट्रेनिंग लिए रहोगे तो आप पहले से ही मेकअप रहोगे वहां पे अगर वहां नो डाउट कंपनी देगी ट्रेनिंग तो कंपनी देगी तो दो दिन तीन दिन देगी हल्का ओवरव्यू देती है बस फिर आप करो काम ठीक है तो उस समय अभी की जो ट्रेनिंग होगी वो उस समय बेनिफिशियली तो मैं यही कहूंगा कि आप जैसा लास्ट बैच में हुआ और अभी क्या है कि उस कंपनी को इतना वो लॉस हुआ कि कंपनी ने वो ये सोचा है कि मैं तो सीएमए कैंपस के लिए जाऊंगी भी नहीं ना। तो ऐसा ना हो ठीक है क्योंकि इससे क्या होता है कि सीएमए वाले स्टूडेंट्स तो वैसे मेहनती होते हैं लेकिन इमेज भी खराब होता है बस कंपनी नहीं जाएंगी तो फिर आपका ही लॉस है तो बेस्ट यही होगा कि पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो ठीक है नहीं हंड्रेड परसेंट कर सकते तो फिफ्टी परसेंट नहीं फिफ्टी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ही अगर मेरा पहले से प्रिपेयर होगा मैं हालांकि जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको तो पता है कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग इन डेप्थ ट्रेनिंग होती है वो तो से भी ज्यादा होती है कोई कंपनी उतना ट्रेनिंग नहीं दे सकती तो पहले आप प्रिपेयर हो जाओ पहले आप लोग अगर वो कर लेते हैं पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो जॉब के चांसेस भी हैं जल्दी भी लग जाएंगे और जॉब लगने के बाद भी आप इजिली सर्वाइव कर लोगे अदरवाइज सरवाइव नहीं हो पाएगा आप क्विट कर जाओ जॉब लगने के बाद ओके okay, और स्पेशली तो, सिर्फ उसी कम लाइक like, एक और भी था अपने पास स्टूडेंट जो जिसका सिलेक्शन बिग फोर में हुआ था बट वो सिक्स मंथ में फ्रस्ट्रेट होकर रिजाइन कर दिया लाइक क्योंकि उसको एसएपी का काम नहीं समझ में आ पा रहा था रीजन उसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की थी ऐसे ही हैं बहुत सारे लोग हैं ठीक है तो मेहनत तो करना पड़ेगा तो यही सारी चीजें हैं ठीक है कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं अपनी कंपनी में ही चांसेस दे देता हूँ जैसे भी आपको तो पता ही है कि दो से तीन स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो मेरे अपनी कंपनी में हैं तो अपॉर्चुनिटीज तो देखो बहुत हैं अगर अच्छे से ध्यान से अगर किया जाए तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है किसी रेफरेंस की अपने आप हाँ हो जाता है ऐसे ओके थैंक यू सर कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सारी चीजें डिस्कस किया और मैं ये चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स लाइक एसी बहुत वास्ट करियर है और बहुत फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग आप जितना जल्दी हो सकते हैं अपना डिसीजन लो और एसी में अपनी जर्नी स्टार्ट करो बिल्कुल समय वेस्ट करके कोई